And since it happens, you tried to obscure God today. He lived 100 people. Her then, बंधु के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि ये नहीं है और इसकी विधि का भी हमको यदि पता नहीं, हम इसके पहले विशेष रूप से भगवान महावीर की पूजा अर्चना इत्यादि बड़े भक्ति भाव से करते हैं, उसकी विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर ने मुक्ति के लिए जिस विधि को स्वीकार किया था और जिस विधि से वे मोक्ष पधारे, उसका हमको बिल्कुल पता नहीं, इसलिए केवल भगवान के बीच करने की कोई सार्थकता नहीं। उसके 3 दिन पहले तो भगवान की दिव्य वाणी जिसमें दिव्यवाणी भगवान की, जिसमें मुख्य रूप से एकमात्र शुद्धात्मा के स्वरूप की बरसातें होती थी, दिन में 3-3 बार, और लाखों लोग भगवान की सभा शरण जो कही जाती है, भगवान की तो नहीं है, बस भगवान का तो कुछ है ही नहीं, शरीर ही नहीं है तो और क्या है। फिर भी मां भगवान की वह अमृत बरसाने वाली वाणी 3-3 बार होती थी, वह अचानक ही आज से 3 दिन पहले बंद हो गई, क्योंकि जब मुक्ति का दिन होता है, समय होता है, तो उसके पहले
योग निरोध का एक मांगलिक कार्य होता है, वह अपने आप ही होता है। ऐसा नहीं होता, भगवान ये सोचते हो कि मोक्ष जाने का समय आ गया है, इसलिए योग निरोध कर लो, ऐसा भगवान को कोई परिणाम नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक ही तीर्थंकर तो केवल ज्ञान लक्ष्मी को लेकर विराजते हैं, इसलिए उनको ज्ञान में भी किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता, और वाणी भी भगवान की कही जाती है, लेकिन वाणी भगवान की बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बात हमारे जानने लायक। भगवान तो जानते ही कि हमारी भी जो वाणी होती है वो वाणी हमारी नहीं है, उस वाणी में चिंतुष मात्र भी हमारा कुछ नहीं है, बल्कि उस वाणी में वाणी के प्रति मात्र चतुर्थ गुण स्थान भरती सम्यक दृष्टि पुरुषों को भी उस वाणी में लंच मात्र भी ममत्व नहीं होता, चतुर्थ गुण स्थान भरती सम्यक दृष्टि भी जानता है वाणी मेरी बिल्कुल नहीं है। यदि मैं ऐसा मानता हूँ तो सम्यक नहीं है, सम्यक दर्शन ही नहीं है, फिर आगे अनंत दशा की बात और केवल ज्ञान की बात तो बहुत दूर चली जाती है। ये हम लोगों के लिए है जो बड़े समारोह से इस निर्वाण पर्व को दीपावली का नाम देकर मनाते हैं, उनके लिए यह संदेश है स्वयं भगवान महावीर का, मन वचन और काय ये आत्मा के नहीं होते, ये शरीर के होते हैं, और शरीर पुद्गल है, इसीलिए मन वचन काय भी पुद्गल है, और मन वचन काय आदि जितने भी पदार्थ विश्व में हैं उनके प्रति हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है, वे हमारे कर्म नहीं है, हम मन वचन काय का परिणाम नहीं करते, मन वचन काय आत्मा से नहीं होते हैं, आत्मा में नहीं होते हैं, पर वे सबके सब अपने आप शरीर के पुद्गल परिणाम में होते हैं, और उनका कर्ता मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, वे मेरे से नितांत भिन्न है, अलग है, ऐसा जो मानता है वो तो सम्यक दृष्टि हुआ। ये सम्यक
के भाव कहे जाते हैं, उन सबको पार करके भगवान तेरे में गुणस्थान सहयोग के अभी गुणस्थान में पहुंचे, वो भी भगवान का नहीं है। ये सब कहने की है बातें, क्यों कहे बिना समझ में आती नहीं, इसलिए इतना व्यवहार प्रवर्तित होता है। उसको केवल व्यवहार मानना चाहिए, केवल व्यवहार है ये, इसमें लंच मात्र आत्मा का कुछ नहीं है। स्वतः स्वमेव भगवान की वाणी झरने की तरह ओंकार ध्वनि से, केवल एक ओंकार ओम, इस तरह भगवान की वाणी खींची हुई कही जाती है और उसमें सारे जितने भी भव्य लोग हैं वे उस बात को समझते हैं। उसमें मुख्य रूप से शुद्धात्मा की बात होती है। एक बहुत बड़ी बात ये कि हम तो जब बोलते हैं उस समय शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होती, लेकिन भगवान बोल रहे हैं ऐसा जो कहा जाता है वो कहा जाता है, क्योंकि कहना चाहिए समझाने के लिए। तो भगवान जो बोलते हैं वो उनका बोलना तो नहीं, पर फिर भी यदि बोलने का व्यवहार कहा जाता है उस समय भी भगवान केवल अपने शुद्धात्मा में लीन रहते हैं और भगवान का दूसरा कोई काम नहीं है। बल्कि कहना ये चाहिए कि जब से ये बात हम लोगों की भी समझ में आ जाए, हम भी समझ जाएं, मन वचन काय और सारे ही पुरुषों के परिणाम धर्म धर्म आकाश काल और ये सारा जगत, इसका एक अणु मात्र भी मेरा नहीं है और केवल एक मात्र भीतर विराजमान शुद्ध समयसार स्वरूप चैतन्य भगवान, समयसार स्वरूप भगवान, वो भगवान मैं हूँ, केवल वही हूँ मैं और मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा जिसने जाना वो सम्यक दृष्टि पुरुष भी निरंतर आत्मा का अनुभव करता है, उसके बाद दूसरा कोई काम नहीं है। जिसने जगत में सर्वश्रेष्ठ उस आत्म तत्व को जाना, क्योंकि मैं सबके पास गया, सबके पास होकर आया, भगवान अनंत के पास भी गया, सिद्धों के पास भी गया, लेकिन मैं नीता आया, खाली आया, उन्होंने लौटा दिया, जाओ हमारे पास से, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे भीतर ठीक हमारे जैसा ही भगवान विद्यमान है, उस भगवान की उपासना करो। केवल वो एक ही भगवान जगत में पूजने लायक है और हम भी पूजने लायक नहीं है, ये भगवान बोले। कौन बोला? कौन बोला? भगवान बोले हम पूजने लायक नहीं तुम्हारे, केवल तुम्हारे भीतर, हमारे भीतर जो भगवान बैठा है ठीक वैसा का वैसा भगवान तुम्हारे भीतर बैठा है, वो हमेशा तुम्हारी पूजा करने लायक है, उसकी आराधना करो, इसी का नाम मोक्ष है। ऐसी भगवान की दिव्य वाणी चली और योग निरोध में भी भिन्न भिन्न ज्ञानियों को और तीर्थंकरों को अलग अलग समय होता है। भगवान महावीर को 3 दिन का योग निरोध हुआ। योग निरोध का अर्थ क्या होता है कि भगवान जो चलते थे, उठते थे, बैठते थे,
बोलते थे कि सारी की सारी योग की क्रिया कहलाती है, पुद्गल के योग की, और भीतर भाव योग होता है वो भाव योग की क्रिया कहलाती है। तो ये विकार है, विकार हमारा तो लाभ होता है। भगवान की वाणी सुनते हैं तो अगर निकट भव्य हो, जब भी मोक्ष जाने वाला हो तो भगवान की वाणी को भीतर बिठा कर अपने भगवान का दर्शन कर लेता है, कभी एक ही बात। तो हमको तो इस तरह वो जो साक्षात परमात्मा हर जीव के भीतर, निगोलिया जीव के भीतर भी वो भगवान पड़ा है। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करने वाला लंबे पर्यटक जीव, उसके भीतर भी वो शुद्धात्मा वैसा का वैसा, मैंने जगत के हर प्राणी के पास वो शुद्धात्मा पड़ा, ये भगवान की वाणी में आता है। तो इस तरह जब योग निरोध का समय होता है तो वाणी, क्योंकि भगवान की नहीं थी इसलिए बंद हो गई, चलना फिरना सब बंद हो गया, अपने आप शरीर उठा और जहां जाकर योग निरोध का ध्यान करना था, तीसरा शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, उसका उसको चरितार्थ करने के लिए भगवान का शरीर अपने आप वहां चला जाता है, जहां योग निरोध करना है वहीं जाके ठहर जाता है, और वहीं भगवान शुद्धात्मा में लीन रहते हैं और योग निरोध योग का अभाव हो जाता है। वाणी वगैरह सब सारा जो आज प्रदेशों का हलन चलन होता था वाणी में, चलने में, बोलने में, वो जो हलन चलन आत्म प्रदेशों का होता था वो बंद हो जाता है, और अंत में तो पूरा का पूरा बंद होकर अयोग अवस्था होती। अयोग मैंने वहां पर वो आत्म प्रदेशों का हलन चलन नहीं होता, लेकिन केवल तो यो जो प्रदेश है वे स्थिर हो जाते हैं, और स्थिर होकर थोड़े समय में 14वें स्थान में भगवान पहुंच जाते हैं, अयोग केवल उसमें भगवान पहुंच जाते हैं। वहां ऐरी ये इतना सा समय लगता है और भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। ये भगवान महावीर ने आज के दिन किया, किसने किया, जिनकी हम पूजा करते हैं जोर जोर से, तुम भगवान महावीर ने ये संदेश हमको दिया है। सच्चाई तो यह है कि आज का जो दिन है निर्वाण पर्व होने के कारण, निर्वाण की विधि क्या है, किस तरह निर्वाण होता है वो सीख लेने का दिन है, और इस आज के दिन को सारे विश्व में जो दीपावली के नाम से कहा जाता है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो हम सब सुनेंगे ये बात, ये स्त्रियां भी सुनेंगी, मानने वाले एक भी नहीं है, और आप लोगों में भी मानने वाला एक भी नहीं है। अभी जाके मिठाइयां खाओगे कि अभी मिठाइयां खाओगे जाके, लेकिन हमको ये विचार नहीं कि आज के दिन अगर हमारा कोई छोटा सा बालक समाप्त हो जाए तो हमारी दीपावली समाप्त हो जाती है, लेकिन तीन लोग का नाम भगवान महावीर, तीन लोग का नाम वो आज के दिन चला गया है, और हम दीपावली के नाम से मिठाइयां खाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, लोगों को आमंत्रित करते हैं, हम आमंत्रित होते हैं, और सारा दिन
पाप में हमारा बीतता है, केवल पाप में बीतता है, और सारा व्यवसाय में बीतता है, व्यवसाय का हमारे भीतर बैठा रहता है और बैंक खाते खुल जाते हैं और उनकी पूजा होती है। इस तरह सचमुच यदि आज का दिन दीपावली होता तो सारा विश्व इसको दीपावली के नाम से मनाता है, फिर जैनी भी दीपावली मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर भगवान महावीर का ये निर्वाण दिन पर यदि दीपावली हो, इसमें दीपक जलाए जाए, दीपकों की लाइनें लगाई जाए और मच्छर मारे जाए, हिंसा का काम किया जाए, अगर वो दिन हो आज तो हर तीर्थंकर के निर्वाण के बाद दीपावली मनना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर भगवान महावीर का निर्वाण पर हमने दीपावली के रूप में मनाया तो हर तीर्थंकर का निर्वाण दीपावली के नाम मनना चाहिए। लेकिन इसका कोई लेख किसी शास्त्र में मिलता है? मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल गलत है कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए आज का पर्व दीपावली नहीं। वहाँ इतने विवेकी लोग थे जिन्होंने भगवान की दिव्य वाणी सुनी, उन विवेकी लोगों ने दीपकों की लाइन लगाकर मच्छर नहीं मारे, लेकिन उन्होंने भगवान के विलय में उपवास किए, भगवान का विलय हुआ, शोक नहीं हुआ। तीन तीन बार भगवान की दिव्य वाणी चलती थी और भव्य लोग तीन तीन बार दौड़ दौड़ कर जाते थे, तो उस ऐसा जो मंगलमय मौसम चल रहा था जबरदस्त भगवान के समय में, वो सारा बंद हो गया। अब कोई तीर्थंकर भी होने वाला नहीं है, ऐसा सब लोगों ने जाना, तो लोग तो रोए रोए रोए, आंसू खिले लोगों के, और कोई दीपक नहीं जला। लेकिन केवल भगवान ने जो शुद्धात्मा अनुभूति का उपदेश दिया, वो भव्य जीवों ने उस शुद्धात्मा का के अनुभव का अभ्यास उस दिन निर्वाण पर्व के दिन किया। दीपावली जो नाम भी मत लेना, वो तो ग्रहित मिथ्यात्व है कि नाम भी मत ले, ये केवल हमारे जैन आनंद की बात नहीं है, ये केवल जैन धर्म की बात नहीं है। लेकिन अजैन विद्वानों ने जो खोज की है, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि दशहरा और दीपावली ये दोनों कोई पर्व नहीं है, दोनों कोई त्योहार नहीं है। राम इन दिनों में आए नहीं वापिस, इन दिनों में राम जंग वन से नहीं आए, ये गलत है। और दीपावली मनाने वालों को ये भी पता नहीं है कि राम कौन से दिन आए थे, तब दीपावली कैसे मनने लग गए? बताओ कोई, किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी उपनिषद में, किसी पुस्तक में, किसी में भी बताया जाए कि राम इस दिन आए, तब तो वो खुशी के रूप में मनाया जाए, केवल खुशी के रूप में। लेकिन इसका पता ही नहीं है तो मनाना कैसे शुरू हो गया? ये किसी अविवेकी पुरुष का काम है। किशोरीदास शास्त्री ने अपनी पुस्तक में लिखा है दशहरा और दीपावली दोनों के दोनों कोई त्योहार नहीं है, बिल्कुल गलत त्योहार है, क्योंकि इस दिन कोई बात राम के वन से वापस लौटने की हुई नहीं थी। इसलिए कम से कम आत्मा के अनुभव की बात तो सबसे ऊपर है, और उसके पहले आत्मा क्या होता है, जो हमारे भीतर समय सार चैतन्य स्वरूप भगवान के रूप में शरीर के भीतर बैठा है, त्रिकाल बैठा रहता है,
तीनों काल में रहेगा। अनादि काल से बैठा हुआ वर्तमान में बैठा है, अनंत काल तक यदि हमने उसका स्वरूप नहीं समझा तो भी वो बैठा रहेगा, और जिस क्षण हम उसका अनुभव करना चाहें उतना पुरुषार्थ और उतनी भावना भीतर पवित्र यदि हो तो वो तुरंत अनुभव में आता है, एक क्षण लगता है। स्वसंवेदन ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान में केवल एक क्षण लगता है, और शुद्धात्मा के अनुभव में इंद्रों का जो आनंद है वो धूल है। क्या है? इंद्र शरीर के सौधर्मी इंद्र का जो आनंद है पहले स्वर्ग का वो धूल है। उस समय एक क्षण के लिए हमको जो आनंद आया इंद्रिय आनंद उसके सामने सारा कूड़ा कचरा है, मिट्टी है और कुछ नहीं है। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद उसको कहते हैं, उसमें इंद्रियों का काम नहीं है, उसमें मन का काम नहीं है, मन से नहीं होता वो तो भाव मन स्वयं शुद्ध ज्ञान बनकर, शुद्ध ज्ञान का शुद्ध नय बनकर उस आत्मा का अनुभव कर लेता, उसमें ताकत है। शुद्ध नय में ये शक्ति है कि वो शुद्ध आत्मा का ही अनुभव करे, और उसका विषय नहीं है विश्व में जगत में, और कोई पदार्थ उसका विषय नहीं है, केवल एकमात्र हमारे भीतर बैठा हुआ जो अनंतानंद अनंतानंद गुणों का पिटारा है, अनंतानंद गुणों का पिटारा, शक्तियों का पिटारा है, वो भगवान आत्मा शुद्ध नय का विषय बनकर हमारे अनुभव में आता है, और अतीन्द्रिय आनंद के फुव्वारे जलते अनुभूति के बटन दबते ही क्या होता है अनादि काल से जो नहीं हुआ वो अनुभूति का बटन दबाया कि वो आनंद का फुव्वारा अतीन्द्रिय आनंद जिसमें इंद्रियों की निमित्तता नहीं है, मन की निमित्तता नहीं वो फव्वारा चलता है, और हम स्वयं उस आनंद का भोग करते हैं। भगवान खेल नहीं जैसा, कैसा साक्षात भगवान अनंत तीर्थंकरों ने जैसा आनंद का अनुभव किया, और भगवान सिद्ध जिस आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और भगवान महावीर ने आज के दिन नहीं पहले थे ही, पर आज उसका उसमें विशेष स्थिर होकर अयोग अवस्था को प्राप्त होकर उसी में लीन हो गए। उन भगवान महावीर ने जो काम किया वो काम चतुर्थ गुण स्थान में उस शुद्धात्मा का अनुभव करने पर होता है, और हम भी भगवान सिद्ध की तरह मुक्त हो जाते हैं। वो अवस्था मुक्त अवस्था से कम नहीं है, भगवान सिद्ध की जो अवस्था है वैसी ही वो चतुर्थ गुण स्थान की अवस्था, वो चतुर्थ गुण स्थान वाला जो शुद्ध नय के द्वारा शुद्धात्मा का अनुभव करता है वो ये कहता है मैं तो साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप समय सार स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप अनंत गुणों का एकमात्र खोज वो साक्षात भगवान परम ब्रह्म मैं हूँ, वो ऐसा कहे, और यही भगवान अनंत को भीतर अनुभव होता है, यही भगवान सिद्ध अनंत काल तक अनुभव करते हैं, और इसके अतिरिक्त जगत में सारा का सारा धूल और मिट्टी है। ये बात आती है समझ में अपने सुनते हैं सब सुनते क्यों नहीं है, कान है हमारे, अरे तो भी नहीं सुनते, नितांत बहरे हैं, बहरे नितांत बहरे हैं, क्योंकि सुनने के लिए भगवान आचार्य
आत्मा की जो अपने भीतर बैठा है और जो ये स्वयं है, मैं स्वयं ही भगवान समझता हूँ ऐसा जो मानता है तो वो स्वयं ये कहता है, स्वयं उसके लिए बोला कि जिसने एक बार भी उस शुद्ध आत्मा की बात प्रेम से सुनी, प्रीति पूर्वक सुनी, प्रीति पूर्वक वो शब्द है कानों से नहीं भीतर जो हमारा भाव मन बैठा है उसके द्वारा जिसने एक बार भी उस शुद्ध आत्मा की बात प्रेम पूर्वक सुनी। अरे ये तो कोई अनूठा तत्व है विश्व का, विश्व में ऐसा कोई पदार्थ मेरे जैसा, मेरे भगवान जैसा कोई पदार्थ विश्व में नहीं है, ऐसा जिसने जाना वो जल्दी ही निर्वाण जाएगा भगवान महावीर की तरह से। इतना तो कम से कम करें कि अभी हम सुन रहे हैं हमको भीतर से विकल्पात्मक का आनंद की तरह के उछलना चाहिए। अरे ये तो कोई गजब बात है, ये तो कोई अनूठी बात है, ये तो विश्व का वंडर है, वंडर विश्व का आश्चर्य। मैं विश्व का आश्चर्य हूँ, मैं विश्व का सौंदर्य हूँ, मैं वर्ल्ड ब्यूटी हूँ। ब्यूटी ढूंढने जाते हैं ना जगत में, वर्ल्ड ब्यूटी उसकी प्रतियोगिता होती है। अरे क्या प्रतियोगिता करते हो, विश्व का सौंदर्य तो मैं बैठा हूँ, मैं हूँ विश्व का सौंदर्य, ऐसा जिसने जाना और प्रेम पूर्वक एक क्षण के लिए भी जिसने सुन लिया उसका तो निर्वाण होगा, वो मोक्ष नियम से जाएगा। हम कहते हैं, हम सुनते हैं कि नहीं सुना, इतने झूठ मत बोलो, आज के दिन आज के मंगल के लिए झूठ मत बोलो, तुमने सुना ही नहीं, तुमने सुनने का विकल्प कर लिया कि मैंने बहुत सुना और सुनने में मुझे बहुत आनंद आया, तो सुनने में तो आनंद भी नहीं आया, सुनने का आनंद भी नहीं आया। कि सुनने का आनंद नहीं आकर उस आनंद का विकल्प भी कर लिया हमने, केवल विकल्प कर लिया सुनने का, और उस विकल्प को हम सुनने का आनंद कहते हैं, ये बिल्कुल झूठ है, गलत है। इसीलिए जैसे हम भोजन करते हैं और पकवान होते हैं थाली में, तो उसमें जो आनंद का अनुभव हमको होता है तो उसमें केवल विचार नहीं होते, उसमें केवल विकल्प नहीं होते, लेकिन वो विकल्पात्मक आनंद लौकिक आनंद होता है, उस तरह का वैसा आनंद जैसे भूख लगती है स्वस्थ व्यक्ति को, और वो स्वस्थ व्यक्ति जैसे भोजन करता है और उसको जैसे वो आनंद का अनुभव होता है। आनंद का केवल विकल्प नहीं होता, ये मेरे को आनंद आ रहा है, ये मेरे को आनंद, ऐसा नहीं वो भीतर से ऐसा नहीं बोलता, बोलते आप बोलते हो, बोलते हो अजीत जी मुझे आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, वो आनंद नहीं आएगा ऐसा बोलोगे। इसलिए आनंद का विकल्प नहीं करना केवल, लेकिन विकल्पात्मक आनंद भी आवे, एक रसमय आवे, रसमय रस करता हो उसमें, ऐसा रसीला आनंद एक बार भी यदि प्रेम पूर्वक सुनने में उत्पन्न हो गया तो हमारा भी आज के दिन की तरह भगवान महावीर की तरह हमारा भी निर्वाण होगा। लेकिन निर्वाण की कामना नहीं करना चाहता, निर्वाण की कामना से कुछ नहीं होगा, अकेली केवल इस शुद्ध आत्मा का अनुभव करते जाओ। क्या कहते हैं भगवान हर तीर्थंकर भगवान ने क्या कहा, केवल एक काम है तुम्हारा, मोक्ष जाने की अभिलाषा मत करो, लेकिन अगर तुमने उस शुद्ध आत्मा का अनुभव एक बार
जगत में उसके बाद सब मिट्टी है, जगत में उसके बाद सब कोयला है, कोयला और कोई नहीं है, कोई हमारा देवता नहीं, कोई हमारा पूज्य नहीं। पूज्य यदि है तो ये हमारे भीतर बैठा हुआ जो देवता है, देवता जगत का सबसे बड़ा देवता, वो देवता ही हमारा है। मैं हूँ देव। क्या हूँ? देव। देव हूँ, देव अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव। 144वां कलश समय सर, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव। अरे ये तो खुद ही देव है, ये कौन से देव की पूजा करेगा? जो स्वयं देवता है, सबसे श्रेष्ठ देवता, वो कौन से देव की पूजा करेगा? उसका उपास्य और कोई नहीं है, ये स्वयं ही देव है, ऐसा जिसने एक बार मान लिया। क्योंकि हम ये प्रश्न कर सकते हैं, ये प्रश्न करेंगे ना, इस जगत में अनंतानंद पदार्थ है, सुनने में आ रहा है? अनंतानंद पदार्थ इस विश्व में, उनमें भगवान अनंत सिद्ध परमात्मा वगैरह जो अनंत है वो भी सब शामिल है, तो उनमें उनकी पूजा नहीं करके और हम इस भीतर बैठे हुए केवल एक आत्मा की, हमारे आत्मा की पूजा करें, इससे क्या होने वाला है? ऐसा प्रश्न हो जाएगा कि भगवान की पूजा तो नहीं करें और हम केवल इस देवता की, जिसको देवता कहा, बल्कि देवता कहा नहीं है, वो मानने लायक है। अगर आज ही मान लिया तो आज ही मोक्ष हो गया। ऐसा जो वो देव है, उस देव को कि एक बार वंदना कर ले। जगत के पदार्थ सारे के सारे पद्रव्य हैं, ध्यान से सुनने की बात। क्यों करें हम, हमारे भीतर बैठे हुए इस चैतन्य देव की पूजा क्यों करें? पूजा मैंने क्या है? पूजा मैंने शुद्ध न्याय का जो अंश है, शुद्ध ज्ञान का जो अंश है, शुद्ध न्याय उसके द्वारा इसका अनुभव होता है। जब हम भोजन का अनुभव करते हैं रसना के द्वारा, उसी तरह है उस शुद्ध न्याय के द्वारा इसका अनुभव होता है। उस अनुभव का नाम पूजा। किसको कहा पूजा? शुद्धात्मा की पूजा किसको कहा? एक बार स्वसंवेदन ज्ञान हो जाए, अपना अपने द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा अपना उस शुद्ध आत्मा का अनुभव, इसका नाम पूजा उपासना। ऐसी पूजा उपासना, क्योंकि इसके अतिरिक्त जगत के सारे पदार्थ परद्रव्य है। कौन है? तो भगवान अनंत, वो तो हमारे हैं, हमारे होते हमको साथ नहीं ले जाते मोक्ष, हमारे होते तो नहीं ले जाते। और भगवान सिद्ध वो भी नहीं, वो भी पढ़ देते हैं। तो सारा जगत इस हमारे आत्मा के सिवाय, अरे जैसे हमारा धन होता है घर में, तो वो धन हमारा है ना, कहते हैं लोगों में कि हमारा कौन है, कि हमारा तो ये बंगला और ये हमारा धन, ये सोने चांदी जवाहरात के पोटले ये हमारे, और बाकी ये सामने वाला, ये पड़ो दाएं बाएं वाला, ये कहते ये सब और हैं, ये सब हमारे पड़ोसी बंदरों में हैं, पर आए हैं, इन
निर्दोष बात भी हमारा नहीं, वो आदि ईमानदार कहलाता है नहीं, ईमानदार है बेईमान। हम इस अनंतानंद विश्व में किसको अपना कहें? है कोई कहने लायक? कहते जगत के धर्म धर्म आकाश इत्यादि बात तो बहुत दूर, लेकिन भगवान अनंत और सिद्ध भी हमारे नहीं है, वो भी परद्रव्य में जाते हैं। एकमात्र जो सदा हमारे पास रहता है, जिसने हमको नरक और निगोद में भी नहीं छोड़ा, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य तत्व है जिसके बल पर मैं जिंदा हूँ, वो मैं हूँ, वही मैं हूँ। और जगत में जितना भी है परद्रव्येषु लोकश्रवत्, ऐसी एक लोक की कथा कहावत है। क्या कहावत है? परद्रव्येषु लोकश्रवत्, कि जो जगत के पदार्थों को जगत के जिनके स्वामी है उनके पदार्थों को जो केवल मिट्टी के ढेर के समान देखता है, वो विद्वान है, वो सज्जन है जगत का। इसी तरह यहाँ भी एक मात्र अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा, उसके अतिरिक्त जितना कुछ विश्व है जगत के क्षेत्र में, और चेतन और अचेतन ये सारे पदार्थ ये जितने भी हैं, वो सबके सब परद्रव्य होने से मेरा इनसे कोई संबंध तो है ही नहीं, लेकिन ये मेरे जानने लायक भी नहीं, देखने लायक भी नहीं। क्यों देखने लायक नहीं है? क्योंकि मैंने अपने ज्ञान के द्वारा देख लिया कि ये देखा कि ये देखने लायक भी नहीं। क्या देखा? हम तो जानने लायक मानते हैं, इनको गे मानते हैं, ये गे तत्व है ऐसा मानते हैं, ये हमारे गे है हमारे जानने लायक ऐसा मानते हैं। अरे ज्ञानी छंदे देसी, उसने क्या जाना? ये जाना कि मैंने इनको जान कर ये जाना कि ये जानने लायक है नहीं। क्योंकि जगत में अगर हम पड़ोसी के मकान की तरफ रोजाना ठहरेंगे और उसको देखेंगे, ट्रक लगाकर देखेंगे, तो पड़ोसी आपत्ति करेगा, तो आप क्यों ऐसा ये मेरे मकान के सामने खड़े होकर क्यों झांकते हो इसकी तरफ? इसमें आपका क्या है? इसमें क्या झांकने लगा है? एक बार देख लिया ना, क्या देखा कि ये आपका नहीं है, ये मेरा है, ये देखा है, फिर क्यों झांकते हो? तो अगर वो नहीं मानता है तो उसको कारावास होता है। इसी तरह अगर ये इस आत्मा ने नहीं माना ना अनाधिकार, नहीं माना जगत के पदार्थों को और तो और परद्रव्य कह दिया इसने, वो परद्रव्य कहकर ये मान लिया ये मेरे जानने लायक है। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा इसने इनके साथ अपना संबंध जोड़ दिया और अपना ज्ञेय मान लिया, तो ज्ञेय मान लिया तो ये पूरा का पूरा पापी और मिथ्यादृष्टि होगी। इसलिए सच्चाई जो ये है कि जगत में अगर कोई देखने लाए सुंदरतम पदार्थ है, मीठा है, मीठा कैसा आत्मा है, मीठा रसगुल्ला जैसा नहीं, उसे विलक्षण ऐसा सुमधुर स्वाद है इस हमारे आत्मा से, तभी तो जाते हैं यानी, और जाते हैं और ऐसे जाते हैं कि जैसे कोई किसी फूल वाले उद्यान में महकते हुए उद्यान में चला गया, वहां से नहीं निकलना चाहता। इसी तरह ज्ञानी जिसके भीतर जाकर वहां से निकलना नहीं चाहते, अरे उसमें कुछ होगा तब नहीं निकलना चाहते, तो क्या है उसमें
वैभव है, अनंत अनंत वैभव है, और मार असीना अत्यंत मधुर है वो पदार्थ, अत्यंत मधुर हूँ मैं, मेरे से श्रेष्ठ जगत में दूसरा कोई नहीं है। ऐसा जिसने एक बार भी जान लिया, उसका बिना इच्छा के, बिना आग्रह के, बिना विकल्प के अपने आप ही निर्माण होगा, और वो उस निर्माण में भी गंदा नहीं होगा। उस शुद्ध आत्मा जिसके फल स्वरूप उसको निर्माण मिला, उस शुद्ध आत्मा में वहां भी गंदा रहेगा। किसमें रहेगा गंदा? जब पहली बार स्वसंवेदन ज्ञान में सम्यक दर्शन हुआ तो किसके बल पर हुआ? तो शुद्धात्मा के बल पर। तो जिस शुद्धात्मा के बल पर ये काम हुआ, क्या वो आगे जाकर उस शुद्धात्मा का अनुभव छोड़ देगा? तो नीचे आ जाएंगे भगवान, भगवान से तो नीचे आ जाएंगे। अगर शुद्धात्मा का अनुभव छोड़ दिया तो जिस बल से संवेदन हुआ उसी बल से संवेदन ज्ञान चाहे अपने आप होकर और उसकी मुक्ति हो जाएगी। सच्चाई यह है कि वो ज्ञानी चतुर्थ गुण संवर्ती वो शुद्धात्मा के सिवाय मुक्ति भी नहीं जाता, क्योंकि वो पर्याय है। वो पर्याय से वो पूरा ममत्व तोड़ने के बाद ज्ञानी धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि होता है। पूरा ममत्व केवल ज्ञान की पर्याय सिद्ध पर्याय है। इन सारी पर्याय को ममत्व तोड़ने पर और उस ममता को, उस अपने शुद्ध ज्ञान को इस आत्मा में स्थापित करने पर, उस शुद्ध देह को केवल इस आत्मा में स्थापित करने पर सारे अपने आप दौड़े चले आते हैं। मुक्ति दौड़ती हुई आती है, वो बुलाता नहीं है, वो कहता है मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। क्या कहता है? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो मुक्त मिल गया। तो तीन काल में जिसका जो मुक्त है, मोक्ष स्वरूप है, वो मुझे मिल गया, तो मैं नए मोक्ष को क्या करूँ? इसलिए वो हृदय से भीतर से मोक्ष की पर्याय को भी नहीं चाहता। इस प्रकार पर्याय मात्र से ममत्व तोड़कर, श्रद्धा तोड़कर, श्रद्धा अहम तोड़कर, जिसने उस अहम को इस अपने शुद्ध चैतन्य समयसार स्वरूप शुद्धात्मा में स्थापित किया, उसका मोक्ष यही हो गया, वो मुक्त हो गया, आया है आगम में। सम्यकदर्शी जीव का अपनी शुद्धात्मा का अनुभव करने वाला ज्ञान शुद्ध और सिद्धों के समान होता है। ये आगम का वचन, मैं नहीं बोल रहा। क्या बोला? सम्यकदर्शी जीव का चतुर्दशा मृत्यु सम्यकदर्शी, उसका अपनी आत्मा का अनुभव करने वाला जो शुद्ध नैरूप शुद्ध ज्ञान है, वह शुद्ध और सिद्धों के समान होता है। इससे अधिक क्या कहेंगे? इसलिए ज्ञानी को तो मोक्ष से भी, बंध से भी, सात तत्वों से ही उसको प्रीति नहीं है। उसको एक मात्र अपने शुद्ध चैतन्य तत्व से प्रीति है, और वो निरंतर इस प्रीति में ही झूमता रहता है, निरंतर आनंद जीता है। और लिखा है राजानी साहब ने, सम्यक दर्शी जीव निरंतर अपने आत्मा को अनुभव है। लोग कहते हैं अनुभव हो गया, अब तो परपदार्थ की ओर चला गया। अरे परपदार्थ उसको देखता ही नहीं, जानता ही नहीं, पर पदार्थ सामने आ गए उसको दिखता नहीं है। इधर पर है, इसका क्या दे? पराए को में क्या दे? पराए जन्मों में क्या दे? पराए बंगले को में क्या दे? पराए पत्नी को में क्या दे?
समग्र मोक्ष मार्ग की मूलभूत ऐशना का